फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मित्रों की लाइफ। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे से मित्र, होपफुली आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा ज्वेलरी कलेक्शन, जो कि मैंने ले लिया है अमेजोन से। एंड अमेजोन से ये जो ज्वेलरी कलेक्शन लिया है, ये मैंने बहुत ही ज्यादा एथनिक वाला लिया है, इंडियन ट्रेडिशनल ज्वेलरीज लिए है मैंने। एंड अभी जो टाइम है, फेस्टिवल का टाइम बहुत ज्यादा है, शादियों का टाइम होता है, उस टाइम हमें बहुत अलग अलग टाइप की ज्वेलरियाँ पहनने का मौका मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग की शॉपिंग को इजी बनाया जाए। तो मैंने कुछ पिक्स किए हैं अमेजोन से, होपफुली आप लोग को अच्छा लगेगा। तो अगर एक भी अच्छा लग जाए ना ज्वेलरी सेट, तो फट से लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो मेरे पेज को जरूर फॉलो कर लेना, आनंदिता मित्रा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज अपना हॉल एक बहुत ही खूबसूरत से सेट के साथ, विद दिस ब्यूटी। और ये बहुत प्यारा सा स्टोन का वर्क हो रखा है, और बीच में इसमें टेम्पल जो ज्वेलरी होती है ना, उसमें उसके जैसे यहाँ पे बना हुआ है, लक्ष्मी जी बनी हुई है इसमें। लुक एट दिस, बहुत क्लोज लुक आप अगर देखो तभी आपको पता चलेगा। एंड ये बहुत खूबसूरत सा लग रहा है, नीचे ये पूरा पोल का वर्क है, बीच में रेड कलर के स्टोन्स लगे हैं, ऊपर ग्रीन एमरल्ड व्हाइट कलर के स्टोन्स लगे हुए हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा इसमें डिजाइन है। और एक्चुअली ये है सबसे बेस्ट चीज इसका, ये है कि कोई भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सब नॉमिनल प्राइस में है। तो ये होता है ना, दो तीन चीजें आप अगर आपके पास हो तो चेंज कर करके पहन सकते हो, तो ये उसी पैटर्न में है। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग इसकी अच्छी है, एंड लुक वाइज भी ये बहुत अच्छा है। सो इसकी जो इयररिंग है वो भी मैं आपको अलग से दिखाती हूँ, इयररिंग भी इसकी बहुत प्यारी है। लुक एट दिस ब्यूटी, कितना खूबसूरत है ये। तो इस टाइप की ज्वेलरी जो होती है ना, हर इंडियन टायर के साथ आराम से जा सकती है। तो ये तो मुझे बहुत ही पर्सनली फेवरेट लगा मतलब पर्सनली मेरे को फेवरेट हो गया ये। एंड इसका जो सेट है वो मैं आपको पैक दिखाती हूँ। लुक एट दिस, बहुत ही खूबसूरत है ये। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेट की तरफ। नेक्स्ट सेट जो है वो भी बहुत खूबसूरत सा सेट है, और वो है ये प्यारा सा कुंदन का सेट। बहुत ही छोटा है, एक्चुअली बहुत ही छोटा है, बट ये है ना, आप आराम से इसे अगर आपको किसी सूट के साथ भी पेयर अप करना है, आप इजीली कर सकते हो, और लेयर्ड करके भी इसको आप किसी साड़ी या हैवी ड्रेस के साथ पहन सकते हो, तो बहुत अच्छा लगने वाला है। इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, लुक एट दिस, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। ये सारे जो ज्वेलरी मैं आपको शो कर रही हूँ, इन सब की लिंक मैं आपको मेंशन कर दूंगी। इवन मैं कोशिश करूंगी कि एक अपने हॉल पैक का प्रोडक्ट बाइंग लिंक मैं एक जगह मेंशन कर दूंगी, ताकि आपको सारे ही मेरे हॉल के प्रोडक्ट एक ही क्लिक में मिल जाए, और अगर आपको कुछ पसंद आए तो आप इजिली बाय कर सको। और इसका जो प्राइस है वो भी मैं मेंशन कर दूंगी। लुक एट दिस ब्यूटी, एक्चुअली व्हाइट कुंदन के साथ ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही खूबसूरत है, और इसकी फिनिशिंग बहुत ही प्यारी है फ्रेंड्स। एंड आजकल कंट्रास्ट में भी जाता है, अगर मैं रेड कलर की ड्रेस पहन दूँ या पिंक कलर की ड्रेस पहन दूँ, तब भी मैं ये ट्राई करूंगी कि मैं ग्रीन कलर का ही कुछ पहन दूँ, कंट्रास्ट में पहनने का भी फैशन है। इसके साथ जो इयररिंग्स है वो है ये छोटे छोटे से इयररिंग्स। एक्चुअली इसका साइज बहुत ही ज्यादा टिनी है, सो मैं एक नॉर्मल से कुर्ती के साथ भी इसको पेयर अप कर सकती हूँ कुंदन के इयररिंग को। तो इसके साथ बहुत जो अच्छा लग रहा है, इस टाइप का झुमका होता तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता, बट इट्स ओके, मिक्स एंड मैच करके पहना जा सकता है इसको। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है बहुत खूबसूरत सा ये चोकर। एंड ये चोकर मुझे इसलिए बहुत प्यारा लगा बिकॉज इसमें एक बहुत अच्छी चीज है, वो है मीनाकारी का वर्क। लुक एट दिस ब्यूटी, और इस टाइप के जो चोकर होते हैं बहुत एंटीक सा लुक देते हैं आपके होल लुक को, जब अगर आप साड़ी पहनो या सूट के साथ इसे पेयर करो, बहुत प्यारा सा लुक देते हैं। और लुक एट दिस, एक्चुअली ये पूरा ऐसे करके फोल्ड हो जाने वाला है, सो ये ऐसा नहीं कि ऐसे स्टिफ रहेगा, ये आराम से आपके गले को ऐसे कवर कर लेता है और फोल्ड हो जाता है, तो बहुत अच्छा लुक आ जाता है इससे। एंड मैरून कलर का पूरा इसमें मीनाकारी का वर्क है, और इसमें व्हाइट कुंदन लगे हुए हैं, और ऊपर और नीचे व्हाइट कलर के पर्ल्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत इसमें एक शाइन आ जा रहा है, और लुक भी बहुत ज्यादा रॉयल लग रहा है इसका। एंड इसके साथ जो इयररिंग मुझे मिले हैं वो इयररिंग मिले हैं ये,
ये स्टड टाइप की इयररिंग्स है और ये बहुत ही क्लासी लुक दे रहा है एक्चुअली। इसके साथ ज्यादा हैवी अच्छे भी नहीं लगते मेरे ख्याल से। एंड लुक एट दिस ब्यूटी, बहुत ही खूबसूरत इयररिंग्स है, तो बहुत ही अच्छे लगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो भी बहुत खूबसूरत सा प्रोडक्ट है, हिट टेम्पल जो है। मैंने एक लॉन्ग इसलिए लिया ये, क्योंकि यार बहुत जरूरी है कि आपके पास शॉर्ट के साथ साथ लॉन्ग भी कुछ हो पहनने के लिए, ताकि ये साड़ी के साथ या प्लेन जो अनारकली सूट्स होते हैं ना सिंगल एक कलर के, उनके साथ ये बहुत अच्छा लगने वाला है। तो इस वजह से मैंने लिया, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। इसका जो कलर है ये प्योर गोल्ड नहीं है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा अलग या आप बोल सकते रोज गोल्ड टोन में है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसका कलर, लेकिन इसकी ब्यूटी बहुत अच्छी है। लाइक इसका जो डिज़ाइन है फ्रेंड्स, टेम्पल डिज़ाइन जो होता है ज्वेलरीज में वो है, नीचे कलश बना हुआ है, ऊपर यहाँ पे लक्ष्मी जी बनी हुई है, और ऑल ओवर इसमें पिकॉक बना हुआ है, ये जो है पिकॉक बना हुआ है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और जब आप अगर आप इसको बनारसी या कांजीवरम इस टाइप की किसी साड़ी के साथ, सिल्क की साड़ी के साथ पेयर करो तो इसका लुक बहुत अच्छा आ जाता है। या आप किसी पे अनारकली हैवी सूट के साथ, जो प्लेन सूट्स होते हैं उनके साथ भी पेयर करो तो ये बहुत अच्छा लुक देने वाली है। इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, बीच बीच में ग्रीन एंड पिंक कलर के स्टोन्स भी लगे हुए हैं इसमें, तो लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है। इसके साथ जो इसकी इयररिंग मिली है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी इयररिंग इस चेन के अकॉर्डिंग जो है इयररिंग का साइज थोड़ा छोटा है, बट ये लुक वाइज बहुत अच्छी है इयररिंग। ऊपर अगेन यहाँ पे लक्ष्मी जी है एंड नीचे यहाँ पे एक झुमका सा लगा हुआ है, बहुत अच्छा लुक दे रहा है ये भी, और फिनिशिंग भी ओके ओके है। ओके ओके मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक्सपेक्टेशन इस सेट से थोड़ा और हायर था, बट इट्स ओके ओके प्रोडक्ट। और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा, क्योंकि मुझे इस टाइप के प्लेन वाइट कलर के कुंदन के सेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एंड मुझे मिल गया। और वो है ये वाइट पोल एंड वाइट कुंदन में पूरा सेट। ये प्लेन एक लेयर है बस पोल की और कुंदन की, जो कि बहुत क्लासी लग रही है एक्चुअली में, बहुत सुंदर लग रही है। एंड पीछे ऐसे करके टाइट करने के लिए है, और पीछे भी रेड एंड ग्रीन का ऐसे करके टसल इसमें है, एंड इसका लुक बहुत बहुत ही प्यारा है। लुक एट दिस ब्यूटी, बहुत ही खूबसूरत है ये। एंड इसके साथ जो मुझे इयररिंग रिसीव हुआ है वो इसके मतलब सेट के हिसाब से अच्छा है, थोड़ा सा बड़ा है तो अच्छा भी लुक दे रहा है। लुक एट दिस, दिस वन इज ऑल्सो गुड। और एक्चुअली पूरे जो सेट की फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है। ये सेट की इयररिंग भी बहुत खूबसूरत है, तो बहुत अच्छे लगे। वो भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे वो ज्वेलरी हो या शूज हो, मुझे लगता है फिनिशिंग और क्वालिटी बहुत मैटर करती है, तो क्वालिटी और फिनिशिंग इसकी A1 है फ्रेंड्स, A1 है। ठीक है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये जो है चीज़ें मैंने ली है वो बहुत अच्छी है। एंड जो ये सब आए थे मेरे पास ज्वेलरीज, ये जो बड़ा वाला सेट था वो इतने बड़े प्लास्टिक के बॉक्स में आया था, तो यू बहुत इजीली अच्छी तरीके से स्टोर कर सकते हो। और छोटे इस टाइप के सेट जो है छोटे प्लास्टिक के बॉक्स में आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने पैकेजिंग बहुत अच्छी की है ताकि सामान खराब ना हो। एंड एक और जो प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत लगा वो ये चोकर है, और ये पूरा महीन मिही दाना जो होता है पोल जो होता है उसका है, इसका है लड़ी जो है, और बीच में ऐसे 3 मीनाकारी के फ्लावर बने हुए हैं पिंक एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में। लुक एट दिस, वेरी ब्यूटीफुल फिनिश्ड है ये, बहुत ही फिनिश्ड वर्क है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ये आपके गले में जैसे ही जाता है ना, एक बहुत प्यारा सा रॉयल लुक क्रिएट कर देता है। एंड इसका सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है, इस टाइप के जो वो होते हैं मीनाकारी वाले चोकर्स, इनको आप साड़ी के साथ तो पेयर कर ही सकते हो, लेकिन उसके साथ ही साथ आप कॉटन के सूट्स के साथ भी इसको बहुत अच्छी तरीके से कंबाइन कर सकते हो। लुक एट दिस, इसके साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस टाइप की चीज़ें अपने वार्डरोब में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फ्लावर पैटर्न, मीनाकारी का वर्क एंड फाइन ज्वेलरी,
वेरी एलिगेंट। और इसके साथ जो मुझे रिसीव हुआ है वो रिसीव हुआ है ये इयररिंग जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ क्लोजली। ये देखिए कितनी खूबसूरत इयररिंग है। ये इयररिंग अपने आप में बहुत खूबसूरत है, साइज भी अच्छा खासा जंबो साइज है। सो बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत फिनिशिंग है। तो इस टाइप की ज्वेलरी आपके वार्डरोब में होना बहुत जरूरी। ये सब जो ज्वेलरी है ये इंडियन अटायर्स के साथ बहुत अच्छी तरीके से जाती है, चाहे वो सूट हो साड़ी हो। सो ये था मेरा एक छोटू सा हॉल, कैसा लगा आपको मेरा ये ज्वेलरी का हॉल मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, कौन से वाली ज्वेलरी सेट आपको पसंद आई। अगर अभी तक आपने नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो फटाफट कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि और भी वीडियोस आने वाली बहुत जल्दी। और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए वरना हो जाएंगे मिस मेरी वीडियोस, और मैं मेहनत करती रहूंगी और आप तक पहुंचेगी भी नहीं, ठीक है ना। तो तब तक रहिए आप अपने घर में सेफ एंड बाय।